आज दिनांक 27 तारीख को हम खड़े हैं पन्ना जिले के ब्लॉक अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत सिंहियाई के कौन सा गांव है, धवारी गांव पे। तो यहां पर देख रहे हैं कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, पुरुष खड़े हुए हैं, तो उनकी खेती से लेकर कुछ समस्याएं हैं। तो हम आपको इन्हीं लोगों से इनकी समस्याओं का पता बताते हैं, किस प्रकार की समस्या है, कितने साल से ये लोग लगभग परेशान हैं। इनकी जमीनों में पानी भरा हुआ है, जिसका कारण यहाँ पे तालाब बना हुआ है, डैम बन गया है। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। तो किस प्रकार की समस्या है आपको? हमको समस्या ये है कि पानी भरा है खेत में, काट रहे हैं धान, गीली है, फसल नहीं हो रही, दूसरी फसल मिलती नहीं, एक फसल भर मिलती है, ट्रैक्टर चल नहीं रहा, बांध बन गया, बांध के कारण की दिक्कत है। हमारे पास नहीं तो तीन तीन कुआं थी, आज मजबूरी है। कितने सालों से आपको ये मजबूरी, क्या शुरू से मजबूरी है? 5 साल से, जब से बांध बना। तो कितने सालों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? हम हैं 50 साल से, हमारे पुरखा हो गए, बाबा हो गए, फिर पिताजी हो गए, हम हो गए, आज 7 पीढ़ी हो रही जमीन का, लेकिन आज हमारी जानकारी में 3 पीढ़ी तो हमारी हो गई दिखा। तो किस प्रकार से समस्या है, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पानी का जिल्ला है। अच्छा, पानी भरा जिल्ला है बांध के कारण, यहाँ को नहीं सुन नहीं रहा हमारे। तो क्या आप एक ही फसल बो पाते हैं? कौन सी फसल? धान की बस। तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? अरे बहुत समस्या है, गरीब आदमी है, क्या है, अब पेट भर रहे, जैसे कैसे मजूरी लग नहीं रही, तो बस हल्की फुल्की जमीनें हैं, ज्यादा है नहीं। मान लो पिताजी के नाम है, 6 बीघा जमीन है, वही डरी है। तो ऐसी समस्या कितने लोगों को आती है, कितने एकड़ भूमि है आपके पूरे एरिया की जिनको? यहाँ कम से कम ना होगी तो 50 एकड़ ही, कम से कम नहीं है तो 30 एकड़ से तो कम है। इतने लोग समस्या से घिरे थे? कम से कम 200 लोग हैं। सबकी यही समस्या। तो क्या शासन प्रशासन यहाँ कभी नहीं आई ये सब देखने के? देख रेख कोई करता ही नहीं है, मजबूर है, और यहाँ देहात के लोग पर गए से सब डरा रहे बोलने को, रहेगा सब। तो क्या पहले इसी जमीन में आप कितनी फसल ले ले? फसलें लेते थे। कौन कौन सी? गेहूँ की, धान की, और मान लो तिली की, कुछ भी फसल हो जाते, दो फसलें होती थी, अब नहीं हो रहा है यहाँ कुछ। धान भी होती, बस धान लगा लूँ तो धान है, और नहीं तो कुछ नहीं है, डरी है। जी क्या नाम है आंटी जी आपका? राम काली। तो किस प्रकार की समस्या है आपको यहाँ पे? यही समस्या है कि बांध के पीछे हमारी खेती नहीं बिक रही, और पानी भरा है, हल हल के पावन से, और काट रहे। क्या काट रहे? धान काट रहे, ट्यूनल से पानी भरो है, निकाल रहे धान, वही में बच्चा पाल रहे, और का है उसमें, हमारा पेट नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा, का है, बांध के पीछे बांध भर गया, 5 साल से हो गए। तो मर रहे। तो आप जैसे एक फसल लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं पूरी साल? यही मजदूरी लग गई तो मजदूरी करते हैं, नहीं तो यही धान में पेट पालते हैं, और कहाँ है, कुछ नहीं है, गेहूँ होता ही नहीं है। कुछ नहीं है इसमें, बस यही धान भर है, धान चाहे वही बेच लो, चाहे गेहूँ ले लो, चाहे बच्चे पाल लो, और कहाँ है, कुछ समस्या, यही समस्या है। आंटी जी आती हैं, आंटी जी से बात करवाई थी। जी क्या बोलना चाहते हैं अंकल जी आप? आपका बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे समस्या है? यही समस्या है बहन जी, जो पानी भरो है, काय में पानी भरा, खेती नहीं लग, मजदूरी से कर रहे हैं काम अपने। हाँ, तो खेती में पानी भरा हुआ है। तो कैसी समस्या आती है फसल काटने में बताएं? बस यही समस्या, जो बड़ी रहो 1 फुट नीचे पानी में, आओ बड़ी रहो, जो बड़े है पानी में, वो तो आप ही के देख रहे हैं। हम लोगों को बता दो, बोल दो, बोल दो, अपनी दुकान पैसा मिल है, जो मिल है बन है मुआवजा, तो खेती ही जो है वो कहोगे कायदे को मुआवजा मिले, कैसे बोलने से? बोल दो कि हम बड़े समस्या में है, एक बहाली मिलती है, हमको एक बहाली मिलती है, बड़ी समस्या है, और हम
चार बीघा पाँच बीघा है कितनी? हाँ चार बीघा। चार बीघा, हाँ चार बीघा जमीन, चार बीघा जमीन है पर वही हमारी पानी में डूब में है। हाँ वही पानी में डूब जिला में है। एक बहाली, हाँ तो क्या इस जमीन के पट्टे बने हुए हैं? पट्टे बने हुए हैं, पट्टे बने सब सरकारी तो सब चली गई ऐसा ही। तो यहाँ पर आप देखिए पट्टे बने होने के बावजूद भी ये जितने किसान बैठे हुए हैं अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर बांध बन गया है, डैम बन गया है, जिसके कारण विगत 5 सालों से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे बांध बनने की वजह से इनके खेतों में पूरा पानी भरा रहता है और ये लोग अपनी एक फसल के अलावा दूसरी फसल नहीं ले पाते हैं। ये धान की फसल है जो कि काटने के लिए तैयार है और बाकी किसान अपनी आगे की फसलें बोने लगे हैं, जैसे कि चना और गेहूं, जवा, ये सब फसलें बोने लगे हैं, लेकिन ये किसान हैं तो नहीं बो पा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी धान की फसल ही नहीं कटी है और ये इतना पानी भरा हुआ है। तो और जबकि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता है कि किस प्रकार की समस्या से ये लोग ग्रामीण जूझ रहे हैं, और काफ़ी समय से नहीं, ये सिर्फ 5 साल से ही परेशान है, जबकि बताया गया कि विगत 50 वर्ष पूर्व से ये लोग खेती कर रहे हैं, तब ये दोनों फसल यहाँ से लेते थे और अभी ये इस समय परेशान हैं।